लेस्टर अब एंटोनियो का गेम बजाना होगा, हर बार निकल जाता है डगन के जैसे। एंटोनियो ये लॉस सैंटोस का पावरफुल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, माइकल इसे मारना मुश्किल होगा। मैं नहीं जानता लेस्टर, मेरे पास निंजा सिक्योरिटी, एसपीजी सिक्योरिटी, मॉन्स्टर सिक्योरिटी है, मुझे बस एंटोनियो को मारना है। अरे बट एंटोनियो का पुलिस से कनेक्शन ज्यादा है, उसको मारा तो पुलिस से पंगा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। ठीक है, तुम्हारा मर्जी भाई, तो सिगरेट वेस में आ जाओ, मिलते हैं। माइकल अब पावरफुल हो गया, उसके साथ उसके दुश्मन भी बढ़ जाए। हेलो डीजीपी सर। हाँ एंटोनियो, बोलो कैसे चल रहा है एजेंसी तुम्हारा? वाट लगी पड़ी है एजेंसी की और मेरी जान की भी। क्यों, क्या हुआ? माइकल नाम का बंदा है, उसका गेम ओवर करना है सर। जितना पैसा लगेगा उतना दे देंगे आप। ओके एंटोनियो, अभी पुलिस की रेड करवाता हूँ माइकल। तुम बेवकूफ सिक्योरिटी, तुम खुद को एसपीजी सिक्योरिटी कहते हो, और वो माइकल मेरा मानसन और मेरा $1 बिलियन का कार कलेक्शन चोरी करके चला गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5 गाइस। तो कैसे हो गाइस, आए हो? बढ़िया होंगे। तो यार पिछले एपिसोड आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि ना यार पिछला एपिसोड बहुत ज़्यादा ही कूल था, क्योंकि ना उसमें हम लोग ने एयर डिफेंस सिस्टम लगवाए, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड वहाँ पर ना एंटोनियो के बंदों के साथ खतरनाक वाली फाइटिंग हुई। अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड वहाँ पर ना हम लोग ने उसके मेंशन पे अटैक किया था, एंड वहाँ से ना इतने सारे भाई सुपर कार को ना भाई हमारे मेंशन पर ला लिया, मतलब उसके घर में घुस के ना हमने यहाँ पर सारा गाइस मॉन्स्टर सिक्योरिटी को लेके ना उसके घर में गए थे, एंड भाई डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, खतरनाक वाला सीन था। एंड हमने हमारे मेली भी मेंशन पर एयर डिफेंस सिस्टम लगवा दी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर उसके ना मेली भी मेंशन पर टोटल भाई 3 या 4 थार थी भाई, मैंने 3 थार ला लिया इधर। भाई देख रहे हो भाई, खतरनाक वाले कलर्स की थार है। एंड भाई ओपी आर गाइस, मतलब जो हमारे 2 गाड़ी चुराए थे ना वो भी मैंने वापस ला लिया हूँ। एक है लैम्बोर्गिनी एंड एक सुपर कार जो ना दुबई के कार के बंदे ने हमें गिफ्ट की थी यार, ये ना बढ़िया हो चुकी है। तो यार आपको कैसे लग रही है मेरे को बताना। एंड मैंने आपको वीडियो में बोला था यार बढ़िया सा कमेंट करो, भाई तुम लोग ने सब लोग ने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट किए ना, मैं यार गाइस सबके कमेंट यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ। तो यार सभी को दिल से शुक्रिया भाई, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं यार सबको दिल से शुक्रिया। एंड मैं ट्राई करूँगा कि यार बढ़िया बढ़िया ना वीडियोस डालते रहो एंड बढ़िया वाली स्टोरी बनाओ। तो यार सभी को यार दिल से शुक्रिया। एंड इस वीडियो को लाइक टारगेट है गाइस 1500 लाइक्स का, 1.5K लाइक्स का। तो आई होप आप लोग कर दोगे, इतना लव एंड सपोर्ट कर रहे हो ना भाई, दिल से शुक्रिया आप लोग का। एंड भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर फॉर्नीचर भी बढ़िया है, देख रहे हो भाई ये फॉर्नीचर तक मैंने उसके मेंशन पर ना चुराया हो भाई। यहाँ पर इतनी बढ़िया चलती है ना भाई साहब, एक ही नंबर, मतलब क्या ही बोले। तो यार आज का प्लान हमारा क्या है गाइस, आज का हमारा प्लान था यार हम लोग लेस्टर के पास जाएंगे, एंटोनियो को गेम ख़त्म करना है। एंड जिसने हमारा गोल्ड चुराया था आपको याद है, वो गोल्ड हम लोग को नहीं मिला उसके मेंशन पर, हम लोग ने ट्राई किया बट अभी पता नहीं यार एंटोनियो ना, हम उसको उस पर घर पे अटैक किया था बट वो ना यार हेलीकॉप्टर से भाग चुका है। तो अभी मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, एंड लेस्टर ने बोला था मेरा जो हैकर है ना भाई उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, एंड भाई उससे बातचीत कर लेंगे। एंड ये वाली गाड़ी देखो गाइस भाई साहब, एक ही नंबर यार, क्या ही डिज़ाइन है। तो यार आपको ना कौन सी कार बढ़िया लगी जिसमें ना हम लोग घूमे गाइस? यार मेरे को ना ये वाली बहुत बढ़िया लग रही है, इसका डिज़ाइन जो है ना भाई ये 2-सीटर ही है बट यार बढ़िया गाड़ी है, मतलब एक ही नंबर है। एंड भाई आप लोग को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड ये तो आपको पता ही है, एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ एंड आप लोग को ना मज़ा ही आ जाएगा। सो यार चलो यार आप लोग को ना मैं बढ़िया सा एयर डिफेंस सिस्टम दिखवाता हूँ। यार बहुत सारे बंदों ने यार फुल वीडियो वॉच नहीं किया यार, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मेरी जो वीडियो होती है ना प्लीज़ पूरा वॉच करो, उससे ना रीच बढ़ता है यूट्यूब पे एंड भाई और लोग तक वीडियो पहुँचता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ यार वीडियो को फुल वॉच करना, एंड तक स्किप मत करना, वरना आप बहुत सारे ना मिस पार्ट कर दोगे। फिर यार बंदे आप लोग मेरे को कमेंट में बोलते हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं भाई, सब कुछ हो रहा है, आप लोग ना पूरी वीडियो देखो फिर आप लोग को स्टोरी समझ में आएंगी एंड फिर ना बढ़िया हो जाएगा। तो चलो यार यहाँ पे ना हम लोग ने यार देख रहे हो बढ़िया से ना कि स्टेयर लगाई है, यहाँ पर देख रहे हो भाई बढ़िया वाली स्टेयर लगाई है, एंड ना ऊपर हम लोग आसानी से जा सकते हैं। एंड अभी आप लोग ने मेरे को बताया नहीं यार कि यार मैंने जो एयर सिस्टम लगवाई वो बढ़िया लगाई, क्योंकि ना किसी ने कमेंट तक नहीं किया, क्योंकि ना भाई आप लोग के बोलने पर मैंने इतने बढ़िया ना एयर डिफेंस सिस्टम लगाई, एंड आप लोग ने कमेंट तक ही नहीं किया आपको कैसी लगी इसकी जो प्लेसमेंट है ना वो कैसा लगा है, आप लोग को बताना अभी कमेंट करके, अभी इसी वक्त कमेंट करके बताना यार ये जो प्लेसमेंट किया ना मैं ये बढ़िया किया हो क्या नहीं बता रहा, क्योंकि ना ये मेरे हिसाब से गलत लग रहा है, आप लोग बताओ मतलब परफेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हो गाइस मतलब बढ़िया है बट मुझे ना थोड़ी सी गाइस मतलब ऐसा लग रहा है चेंजेस करने चाहिए, आप लोग बताना ज़रूर एक बार, क्योंकि ना आप लोग देखो मुझे ना यार मतलब बढ़िया सा लग नहीं रहा, तो ये जैसे होता है ना कूल जैसे वैसे लगना चाहिए बट चलो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही मेरे को।
एंड गाइस हम लोग सोच रहे ना ये जो हमारा मैलिबू मैंशन है उसको थोड़ा और बड़ा किया जाए। मतलब अभी ना हमारे पास इतने ज़्यादा कार्स हो चुके हैं ना चोरी के, पता नहीं यार वो हमारा अभी वो नंबर प्लेट मतलब जो भी होता है लाइसेंस तो नहीं है, बट हम लोग इस गाड़ी को बेच के ना हमारे खुद के नाम की गाड़ी लेने वाले हैं। सो यार चलो फटाफट सर मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाने वाला हूँ एंड भाई आप ना उससे बढ़िया हो जाओगे, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। भी जो साइट का जो आपको प्लॉट दिख रहा है ना गाइस जो बीच का वो हमने खरीद लिया है एंड वहाँ पर ना अभी कुछ देर से काम शुरू होने वाला है। आप जो हाँ यही गाइस ये जो वाला दिख रहा है ना आप लोग भाई ये जो ज़मीन है ना मैंने खरीद ली है गाइस एंड भाई यहाँ पर ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला है। यस आपने सही सुना एंड ये जो जगह है ना भाई खाली थी, कोई भी इधर आता नहीं, तो मैं सोचा यार ये जो भी इसका मालिक है ना भाई इसकी मैं जगह खरीद लूँ एंड भाई यहाँ पे ना एक हमारा बढ़िया सा शोरूम बनाते, क्या बोलते हैं बढ़िया सा शोरूम बनाते हैं एंड ना भाई बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि ना भाई बिजनेस भी होना चाहिए भाई। अब से माइकल की जो लाइफ है आपको याद ही मतलब फुल गाइस माफिया जैसी है एंड भाई साहब यार कुछ तो होना चाहिए ना यार बिजनेस। तो यार आप बताओ यार यहाँ पे ना मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर मैंने कॉल तो कर दिया अभी तक तो आए नहीं, पता नहीं आ जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, बट इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा एंड फिर ना भाई नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग यहाँ पर एक और भी यार बढ़िया सा ना आपको इधर दिख रहा है एक हेलीकॉप्टर एंड भाई दो तीन हेलीकॉप्टर के और यहाँ पर हम लोग बिल्ड करेंगे एंड कंस्ट्रक्चर काम। और यहाँ पे ना जो आपको दिख रहा है आगे की जगह वहाँ पर हम लोग बोट्स के लिए ना डॉक्स जो होते हैं ना जो बोट्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको याद है जो होते हैं ना बोट्स के पास वही जहाँ पर ना बोट्स रुकते हैं डॉक्स, तो वहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं एंड मतलब बढ़िया सा बिल्ड लगेगा, मतलब क्या ही बोले कि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब मैलिबू मैंशन को ना बिल्कुल ही गाइस खतरनाक करने वाले, मतलब एक जगह पे ना भाई शोरूम एंड पीछे ना भाई जहाँ पर बहुत सारे बोट्स यहाँ पर ना आ सकते हैं, मतलब डॉग्स एंड होते ना गाइस आप लोग को याद ही जहाँ पे जहाज रुकते हैं, तो भाई यहाँ पर ना भाई आपको पीछे से देना इतने दूर से हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे एंड यहाँ पर ना भाई सारे इतने सारे बोट्स दिखेंगे समझ रहे हो, मतलब बड़े बड़े जहाज इधर से आ सकते हैं एंड ना भाई काम हो सकता है समझ रहे हो। तो जैसे आपको वहाँ दिख रहा है ना भाई उससे बड़ा हम लोग बनाने वाले, तो आप लोग मेरे को बताना कमेंट में कितना बड़ा बनाओ, छोटा बनाए या बड़ा बनाए, क्योंकि ना अभी इतना पैसा हम लोग लूटने वाले ना अभी एंटेनियो को, अभी ना एंटेनियो को सीक्रेट बेस है, मतलब पता नहीं यार वो अभी कहाँ छुप के बैठा है, उसके सारे पैसे ना अभी जाना है। तो यार फटाफट से इनको मैं बोल देता हूँ कि यार हम लोग को ना निकलना है अभी, प्रोटेक्शन के लिए रेडी हो जाओ, अभी ना हम लोग को जाना है इस लेस्टर के पास, उसको बोल देता हूँ यार तुम लोग रेडी हो जाओ एंड अपने जो भी प्रोटेक्शन है ना भाई मेरे जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो लगा लो। तो फटाफट से ना इन लोग को बोल देते हैं। सो ऑल राइट गाइज यहाँ पे ना बातचीत मैंने कर ली है, बोल रहे सब कुछ रेडी है ना आप लोग के, ना आप लोग बस अपनी गाड़ी निकालो एंड हम लोग ना भाई आगे निकलते हैं यार। चलो यार गाइज कोई बात नहीं, ये लोग निकल जाएंगे एंड फटाफट से ना हमारे सारे गाइज भाई पूरा ग्रुप लेके जाएंगे, मतलब समझ रहे हो पूरा का पूरा ग्रुप लेके जाएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि यार कोई माफिया आ रहा है एंड कोई गैंगस्टर आ रहा है। तो यार अभी ना मेरे को फेवरेट वाली ये गाड़ी लगी है गाइस, मतलब ये कार देख रहे हो ना भाई एक ही नंबर है एंड यहाँ पर हमारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी, एसपीजी सिक्योरिटी एंड निंजा सिक्योरिटी, भाई तीनों के तीनों सिक्योरिटी खतरनाक वाले। तो यार देख के ना भाई मज़ा ही आ जाता है, आप लोग देखो यार। चलो यार ये लोग अभी तक बात ही कर रहे हैं यार, ये लोग की पता नहीं क्या दोस्ती हो चुकी है एंड ये हर बारी ना भाई बात ही करते रहते हैं यार। चलो भी यार अभी ना तुम लोग को ऑर्डर दिया है, ऐसे करोगे ना यार तुम लोग मेरे को गुस्सा दिला रहे हो यार, फटाफट से यार काम पे लगो, मेरे को निकलना है, मैं तो गाड़ी भी ऑन कर दिया एंड ये देख रहे हो ये दोनों पता नहीं यार आजकल ना ज़्यादा ही गाइस बातचीत करते रहते हैं यार। ये निंजा जो अपना नाम ही नहीं बोलता, आप लोग मेरे को कमेंट में बताया यार निंजा अपना नाम नहीं बताते, बट निंजा अपना नाम रिवील क्यों नहीं कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको बार बार नाम पूछ रहा हूँ ये बोलते हैं कि यार हम लोग हमारा नाम नहीं बता सकते यार। ये सच में रूल होता है कि आप लोग मेरे को बताना कि यार निंजा अपनी आइडेंटिटी कभी शो नहीं करता है, अभी इसने तो अपना नाम इसका तो नाम हमें याद है मिस्टर के एंड इस जिसकी हमने एसपीजी सिक्योरिटी लिए। तो भाई ये देख रहे हो यार खतरनाक वाला ना प्रोटेक्शन लगा। चलो मैं दो दो सिक्योरिटी को लेके जाने वाला हूँ और एक हम लोग ना भाई दो जो है ना हमारे मॉन्स्टर सिक्योरिटी के बंदे एक को लेके जाएंगे, क्योंकि ना भाई टू सीटर ही है तो उसको लगा फोर सीटर होगा, तो यार वो भी आ गया। और यहाँ पर निंजा सिक्योरिटी यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारी गाइस एसपीजी सिक्योरिटी जो ना भाई आगे रहेंगी एंड ये वाली निंजा सिक्योरिटी पीछे रहेंगी एंड मेरे साथ में ना भाई दो एक मॉन्स्टर सिक्योरिटी मेरा गार्ड रहेगा एंड बीच में ना भाई हम लोग मतलब कतई गैंगस्टर वाली फीलिंग आए। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब तो भाई कोई करता नहीं है भाई, पता नहीं क्या दुश्मनी है यार मेरे से, एंड लाइक भी कर देना एंड भाई 1.5 के लाइक्स का टारगेट है, आई होप आप लोग कर दोगे एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड आप लोग जो भी कमेंट में लिख रहे हो भाई सब कुछ ऐड करूँगा, तो आप लोग को जो भी पसंद है भाई मेरे को बोलो मैं आपको ना ऐड कर दूँगा, ठीक है ना गाइस। तो सारे के सारे मतलब पूरी वीडियो देखना एंड अभी आज से हम लोग ना भाई नया सिस्टम ऐड करने वाले शॉर्ट आउट वाला, जो पूरी वीडियो देखेगा
एंड मैं एक चेक पॉइंट दूंगा उस वीडियो में, तो जो भी बंदा चेक पॉइंट मेरे को बोलिश कमेंट में चैट करेगा तो भाई उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट देंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि यार जो बढ़िया कमेंट करेंगे उसको शॉर्ट आउट मिलेगा, बट यार गाइस उस पे ना भाई सब ने कर दिया, 240-250 कमेंट आ गए एंड भाई मैं ना सबके कमेंट अभी देख रहा हूँ, बट उसको मैं शॉर्ट आउट कैसे दे सकता हूँ इतने सारे को यार, तो उसके लिए सॉरी गाइस, दिल से सॉरी। ऐसे लव यू, सपोर्ट करते रहना एंड भाई चेक पॉइंट अभी दूंगा नेक्स्ट आगे, तो यार ज़रूर पूरी वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो यार हमको सपोर्ट मिलते हैं भाई साहब, क्या ही बोले। तो चलो यार अभी हमारा गाइस देख रहे हो काफिला देख रहे हो, मतलब गैंगस्टर वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई, मतलब आगे खतरनाक वाली सिक्योरिटी, पीछे निंजा सिक्योरिटी एंड पीछे निंजा सिक्योरिटी रह गई एंड हम लोग ना बीच में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेस्टर के सिक्रेट बनकर पर एंड भाई साहब उसका ना वो लेस्टर मतलब जहाँ बैठा है ना इतनी खतरनाक जगह है, आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा, पता नहीं यार बहुत आपने देखा होगा आगे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर ना फटाफट से हम लोग निकलते हैं एंड यार यहाँ से ना हमको इधर ही जाना है, सीधा स्ट्रेट जाएंगे एंड भाई वो ऐसी जगह है ना क्या ही बोले। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं भाई इतना चलने के बाद, भाई इसका सीक्रेट बनकर इतना दूर है ना भाई, क्या ही बोलो, लेस्टर का सीक्रेट बनकर इतना दूर है यार, कोई इसको ना भाई ढूंढ भी नहीं सकता। सो चलो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, हमारी गाड़ी इधर पार कर लेते हैं एंड यहाँ पर लेस्टर ने बोला है भाई किसी को भी लाना मत भाई, तू अकेला आना, तेरे सिक्योरिटी गार्ड पर मैं भरोसा नहीं कर सकता यार, ये लेस्टर यार हर बार ही ना मेरे सिक्योरिटी के साथ ऐसे ही करता है, तो यार इनको मैं बोल दूँ यार तुम लोग ना इधर ही रहना एंड मैं इधर ना लेस्टर से बात करके आता हूँ, भाई सिक्योरिटी गार्ड तू भी इधर रह ले, अकेले आने का बोला है क्योंकि ना यार लेस्टर भाई इसकी जो जगह है ना भाई वो इतनी ख़तरनाक है, उसकी जो सिर्फ सीक्रेट जगह है ना वो मुझे ही पता है एंड फ्रैंकलिन को पता है और ट्रेवर को तो पता ही नहीं है, और उसने ना हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी इधर कहीं रखी है, मेरे को याद है मैं कुछ दिन पहले मतलब बहुत दिन पहले इधर आया था, बट यहाँ पर ना इसकी एक बाइक होनी चाहिए वो हमेशा ना, क्योंकि हम लोग पैदल जा ही नहीं सकते, उसकी सीक्रेट जो बनकर है ना वहाँ पर हम जा ही नहीं सकते, तो हम लोग एक सेकेंड यहाँ पर ना यहाँ पर ही गए, इसकी कार ही मोटर बाइक आई थी या साइकिल रखा है पता नहीं, कुछ रखता है ये हर बारी, उसने मुझे बोला था पिछली बारी हम लोग ना पैदल चले गए थे बट भाई नुकसान हो गया, मतलब यार यहाँ पर ही कहीं ना झाड़ियों में गाड़ी होनी चाहिए, एक सेकेंड यहाँ पर भी नहीं है यार, लेस्टर गाड़ी है क्या इधर, लग रहा है मेरे को लेस्टर ना चला गया गाड़ी लेके, यहाँ पर ही के रखता है यार, यहाँ पर ही के होना चाहिए। ऑल राइट ब्रो, मिल चुकी है गाइस, चलो यार भाई देख रहे हो भाई यहाँ पर ना झाड़ियों पे गाड़ी छुपा के रखता है लेस्टर, क्योंकि ना आपको आपको दिखाता हूँ क्यों रखता है ये गाड़ी, तो यार यहाँ पर हम लोग पैदल चल ही नहीं सकते, ये देख रहे हो ये है गाइस का सीक्रेट लोकेशन, यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है, आप देख रहे हो मतलब यहाँ पर किसको क्या पता चलेगा, यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंसी है मतलब क्या कहते हैं बनकर है, सॉरी बनकर है एंड यहाँ पर ना भाई ये देख रहे हो ये कुछ चीज़ आपको मेरे को अलग ही इसके ना देखकर अलग ही लुक आ रहा है तो आपको कुछ अलग ना अलग मत सोचना। चलो यार यहाँ पर ना भाई लोग आ चुके हैं इसके सीक्रेट लोकेशन पर लेस्टर कर, चलो फटाफट से इसमें एंटर कर लेते हैं एंड भाई लेस्टर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, भाई देख रहे हो भाई खतरनाक वाली इसकी प्रोटेक्शन लगी है, बढ़िया सी प्रोटेक्शन लगी है एक ही नंबर एंड यहाँ पर ना भाई इसका भाई फुल काम चल रहा है भाई हैकिंग वाला, तो इसको हम लोग पूछेंगे कि यार हमको जो लोकेशन चाहिए था ना एंटेनियो की वो लोकेशन मिली है कि नहीं, इसको फटाफट से हम लोग बात कर लेंगे एंड इसको मैं पूछता हूँ कि यार एंटेनियो कुछ पता चला कि नहीं पता चला। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हमें सारा पता चल चुका है एंड इसने बोला है कि यार देखो जो तुम लोग ने जो तुमने ना पहले क्रूज़र पे अटैक किया था, क्रूज़र मतलब गाइस जो डगन बॉस का जो आदमी है ना क्रूज़र उसका जो कमांडो है उसके से आर्मी का, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया है, मतलब जो मेरी सिक्योरिटी थी ना जो मेरा दुश्मन एंटियानी हुए उससे मैंने सिक्योरिटी ली थी, बट हम लोग पहले दोस्त थे, तो यार जब हमने अटैक किया था ना क्रूज़र पे, तो यार उसका कहना है लेस्टर का कि
जो ये एंटेनियो बंदा है ना, उसने भी क्रूजर पे अटैक किया था उसी टाइम, एंड उसने ना उसका बनकर ले लिया एंड उसके सारे लोग को भगा दिया। मैं वही बोलूँ क्या, डग्गर बॉस का जो क्रूजर का बंदा है ना, वो भी इस शहर से क्यों गया? क्योंकि डग्गर बॉस भागा था एंड जो क्रूजर है ना वो जिंदा था। बट लेस्टर का कहना है कि यार देखो हमने सारा चेक कर लिया, बट ना उसका कहना है कि जो हमारा एक बनकर था, एक सीक्रेट है क्रूजर का, वो वहाँ पे होना चाहिए, मतलब वो ना वो उधर ही रह रहा है। तो यार मैंने ना इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो चलो एक बार वहाँ पे ना फटाफट से चलते हैं, क्योंकि ना वो लोकेशन पे मैं बार में गया था, आपको याद है पिछली बार हमने उस पर अटैक किया था उसी सिक्योरिटी से, मतलब फिर बाद में ना क्रूजर उधर से चला गया एंड बाद में इनका कहना है कि वही सिक्योरिटी उधर ही रह गई, मतलब जो मेरे वाली सिक्योरिटी थी जो कि अभी मेरी दुश्मन बन चुकी है एंटेनियो। अगर आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ पिछला एपिसोड ज़रूर देख लेना, फिर ही आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, बट फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि समझा सकूँ। चलो यार फटाफट से, अभी हमारे यहाँ पे सारी सिक्योरिटी चल रही, देख रहे हो मतलब कितने खतरनाक वाली सिक्योरिटी यार, मतलब फील आ रहा है कि नहीं यार माफिया वाली। तो यार अभी तक मैं आपको एक चेक पॉइंट देता हूँ, चैट पे लिख दो सारे के सारे बंदे SPG OP लिख दो, मुझे पता चलेगा ये वाला चेक पॉइंट है। तो देखते हैं आप लोग कितने चेक पॉइंट पास करते हो, जो सारे के सारे 4 चेक पॉइंट पास करेगा। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं यार, ये कौन लोग हैं, एंड ये अपने भाई ये कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहे ना यार, ये पता नहीं क्या कर रहे, लग रहा है भीख मांग रहे हैं। तो यार चैट में वो लिख देना SPG OP, ये पहला चेक पॉइंट है, टोटल 4 चेक पॉइंट हो गए, तो जो भी 4 चेक पॉइंट के सही जवाब देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। तो यार चैट में SPG OP लिखना ना भूले, एंड फटाफट से ना हम लोग सीक्रेट लोकेशन पर चलते हैं एंड ना भाई साहब वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता ना बहुत ज़्यादा ही लंबा है। और राइट गाइस, यहाँ पे ना फाइनली हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया वाला सीन है, एंड इधर ना गाइस हम लोग आ चुके हैं। अभी फटाफट से हमको इधर गाड़ी पार्क करनी है एंड गाड़ी को इधर पार्क कर लेते हैं एंड अब फटाफट से प्लान करते हैं कौन किधर अटैक करेंगे, क्योंकि हम लोग हमारे पास बढ़िया वाली आर्मी है एंड बढ़िया वाली आर्मी से ना हमको दो आगे, एंड यहाँ पे हमारी सारी जगह मुझे पता है कहाँ पे अटैक करना है, मैं इनको ना बोल देता हूँ। तो चलो गाइस इन लोग को ना मैं सारी चीज़ें बोल देता हूँ एंड कहाँ पे अटैक करना है एंड कहाँ पे, इनको मैंने बता दिया हूँ। एंड फटाफट से ना अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ना मुझे लेस्टर ने बताया कि ना यहाँ पर ही वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ना ये जगह क्रूज़र की है, टग्गन बॉस का जो एक कमांडो है क्रूज़र वो इसी की जगह थी, बट जो मेरी जो एंटेनियो का जो मेरा दुश्मन है ना, जिस टाइम पे वो मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे, बट वो अभी मेरे दुश्मन बन चुके हैं एंड वो लोग ना अभी उन्होंने इनका ये सिक्योरिट बेस बना दिया क्रूज़र के लोग को भगा कर, मतलब अभी मेरे फाइट के बाद ना और भी यहाँ पे फाइट हुए थे भाई, वो यार ये तो गाइस ख़तरनाक निकला एंटेनियो, मतलब पीछे पीछे ना मेरे क्या क्या कर रहा था देख रहे हो, मतलब इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। तो इनको भी बता दिया होगा इस, ये लोग ना मेरे साथ रहेंगे, SPG जो सिक्योरिटी है वो मेरे साथ अटैक करेंगी एंड जो ये निंजा सिक्योरिटी है ना वो पीछे के दरवाजे से अटैक करने वाली है। तो अभी हम लोग ना ये लोग राइट में जाएंगे एंड हम लोग ना सीधा स्ट्रेट जाएंगे, हम लोग दोनों तरफ से अटैक करेंगे, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, अभी ना मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, तो हम लोग को फुल प्रोटेक्शन के साथ रहना है एंड मॉन्स्टर सिक्योरिटी मेरे साथ है। अभी मैंने मॉन्स्टर सिक्योरिटी से अटैक नहीं करवाया, क्योंकि ना यार मॉन्स्टर सिक्योरिटी ने कल ही इतना ख़तरनाक वाला ना गंदा रश किया है, मतलब अभी वो लोग थक गए होंगे, तो मैं बोला आराम कर लो ना, SPG सिक्योरिटी कब से ना मेरे साथ में, वो अभी कुछ कर ही नहीं रहे थे, मैं बोला यार तुम ही आ जाओ एंड निंजा सिक्योरिटी यार OP लिख देना, क्योंकि ना ये लोग हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं, मतलब निंजा सिक्योरिटी मेरे को बहुत पसंद आ रही है एंड SPG सिक्योरिटी बढ़िया है, सारी सिक्योरिटी बढ़िया है, बस निंजा सिक्योरिटी ना ज़्यादा ही मेहनत वाली कर रही है, मतलब हर वीडियो में देख रहे हो, मतलब हर सिक्योरिटी गार्ड मेरे बचा रही। तो चलो यार फटाफट से, ओ भाई रश कर लिया SPG, अरे यार तारीफ क्या कर ली, निंजा की डायरेक्ट अटैक कर दी यार मेरे को, तो जाने दो। और राइट यार ये ना यार ये तो ख़तरनाक निकले SPG सिक्योरिटी में, यार थोड़ी सी निंजा सिक्योरिटी की तारीफ कर ली यार, ये ना मेरे को आगे जाने ही नहीं दे रहे, अरे बस भाई तुम्हारी भी तारीफ कर लेंगे, SPG सिक्योरिटी बढ़िया है एंड भाई अरे यार अभी ये लोग ठेकरों में जा रहा हूँ एंड ये लोग ना मेरे जाने से पहले मार दे रहे यार, मैं भी हूँ यार मेरे को मार दे दो। तो पहले मैं यहाँ पे देख लूँ यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, यार बढ़िया यार चलो ओके ओके, यहाँ पे कोई नहीं है यार, ये ना टॉर्चर रूम है, बट यहाँ पे कोई ये किसको टॉर्चर करेंगे यार, ओके यहाँ पे ना अब फटाफट से हम लोग जाते हैं अंदर, चलो यार फटाफट से अंदर चलो, चलो यार ये तो जा रहा है एंड बिना यहाँ पे बंदे हो सकते हो भाई। ऑल राइट यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है भाई ये सारे, सिक्योरिटी एजेंसी आपको याद ही एंटेनियो की एंड इसके ना आज हम लोग एजेंसी बंद करवा के रहेंगे, ये जो भी बंदा है ना इसका आज हम लोग गेम ओवर करने वाले। तो पूरा वीडियो देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना, 1.5K लाइक्स का टारगेट है यार, ज़रूर कर देना लाइक्स एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आएंगी,
यार चल भाई तू भी ले ले, ये क्या छुप के बैठा है साले, तू भी ले ले। तू छुप के बैठा है कहाँ है भाई, देख रहे हो क्या ही छुप के बैठा है भाई। एंड मेरा सोना कहाँ आ गया, मेरे को पहले सोना चेक करना है यार। सिक्योरिटी है जल्दी से जाओ अंदर चेक करो सोना है कि नहीं, एंड फटाफट से देखो अंदर बंदे भी हो सकते हैं तो मेरे को पता नहीं, देख के जाओ पहले। मैं इसको ना ब्रेक करने की कोशिश कर लूँ, क्या पता ये ना लॉक ही हो सकता है। चलो इसको ना बोल दिया है, जाओ फटाफट से रश कर दो अभी। ऑलराइट अंदर सोना है एंड अंदर बंदे भी है, आराम से जाना। चलो यार ये सिक्योरिटी भाई काम कर रही है अपनी भाई, खतरनाक है, मतलब पैसा वसूल है। ऑलराइट भाई सबको मार दिया इन लोगों ने। ओ भाई बहुत सही यार, यहाँ पे तीन ही ट्रे, यार मेरे टोटल 6 ट्रे चोरी हुए थे, टोटल मेरे 6 ट्रे चोरी हुए थे, यहाँ पे तीन ही नज़र आ रहे लग रहे हैं ना। अभी ये बनकर इतना बड़ा है आपको क्या ही बोले। ओके ओके चलो सिक्योरिटी आगे जाना है, फिर से अटैक कर दो। आई थिंक मेरे को लग रहा है दूसरे रूम में बंदे हो सकते हैं। यार ये प्रोटेक्शन देख रहे हो, ये जो सिक्योरिटी है ना एंटेनियो की, यार देख रहे हो मतलब अपना सोने को बचाने के लिए ना क्या क्या कर रहे हैं। चलो यार इनको बोल दिया अटैक करने का, इसमें भी बंदे, मेरे को पता था भाई। अरे इन लोग का आवाज़ ही नहीं आता, ये ना जो सारे जो डोर्स है ना वो साउंड प्रूफ है, मतलब इसमें साउंड का आवाज़ नहीं आता है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हेडफोन लगे। तो चलो फटाफट से ना इनको निपटा देता हूँ भाई, देख रहे हो मतलब कितना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ट्रे भाई, इसको भी लूट लेंगे। अभी लग रहा है ना हर रूम में 3-3 ट्रे हो सकता है, तो यार बढ़िया सीन है। हर इस रूम में तो टोटल ना गाइस 30 या 40 रूम है, अगर हर रूम में अगर 3-3 ट्रे निकलते ना तो भाई टोटल हमें 90 ट्रे मिल सकते हैं, पता नहीं। चलो यार फटाफट से हम लोग आगे निकलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं बट हमको डरने की बात नहीं, हमारे पास तो SPG सिक्योरिटी है भाई। SPG सिक्योरिटी के सामने जो खतरनाक वाली सिक्योरिटी ना, इनके सामने बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गाइस। तो यार मज़ा ही आ रहा है, मतलब ऐसी सिक्योरिटी चाहिए थी यार, मतलब मैं कुछ कर ही ना, मतलब मैं कुछ करूँ भी नहीं एंड मेरा काम हो जाए, तो यार मेरे को अभी लग रहा है, मतलब देख रहे मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं यार, मतलब ऑल राइट गाइस हो रहा है, मतलब बिल्कुल राइट हो रहा है यार इतना, मतलब क्या ही बोले। अभी फटाफट से ना हम लोग अंदर जाते हैं, देख रहे कौन है भाई, ये देख रहा है ये बनकर ना मेरे को चाहिए यार। अभी ना हम लोग ये बनकर पे आज भाई कब्जा कर लेंगे। अभी मैं ना मेरे सारे सिक्योरिटी को बोलूँगा तुम लोग यहाँ पे रहना, एंड फिर हम लोग ना इस पे एक और सिक्योरिटी ऐड करेंगे, कौन सी नई सिक्योरिटी। ऑल राइट यहाँ पे आओ सारे बंदे, तू भी ले ले। चल गया भाई सब गए भाई, तुम लोग को कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग गए भाई तेरे यार। मेरे सिर्फ 4 SPG के बंदे ने सबको भाई फेल के रख दिया, मतलब मजाक उड़ी हो। ऑल राइट गए सब मर चुके हैं भाई, मेरे सिर्फ 4 SPG गार्ड्स को बुलाया, पता है सिर्फ 4, एंड 4 देख रहे हो मतलब ये एक बंदा कितनों के बराबर है। यहाँ पे टोटल कितने बंदों को हमने मारा है भाई, 40-50 को तो अभी ऐसे ही मार दिया। यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई यहाँ पर ही टोटल ना 15 बंदे मर चुके हैं। तो यार देख रहे हो मतलब सिर्फ 4 बंदे 15 पे भारी पड़ रहे हैं, तो यार ये खतरनाक वाली SPG सिक्योरिटी है। एंड यहाँ पर मैं एक बार जाके देख लूँ इधर ना कोई, ओ भाई मैं डर गया, मुझे लगा मैं कहीं और आ गया हूँ। ओके मुझे लगा ना मैं कोई रूम में आ गया भाई, भटक रहा है रास्ते, समझ रहे हो भाई, ऐसे लग रहा है बुलबुलाया मैं आ गया हूँ मतलब। चलो यार इधर ना कोई है तो नहीं ना एक बार, ओ भाई यहाँ पे पैसा लगा है, पैसे रखे हुए हैं। ऑल राइट आई थिंक ये एंटेनियो की जगह है भाई, एंटेनियो का आ गया यार, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया एंटेनियो किधर है यार। एंटेनियो कहाँ गया, एंटेनियो यार, एंटेनियो के ऑफिस में तो कोई भी नहीं, मतलब ऑफिस में तो होना चाहिए। अभी सारी लोकेशन तब देख लिया, उसके घर पे जाके आ चुके हैं, उसके मेंशन भी हमने पूरा हमारे कब्जे में है। एंड ये इधर भी नहीं है तो कहाँ पर है यार, यार मेरे को लग रहा है ना गाइस वो इधर चला गया भाई। फटाफट से ना मुझे भाई जल्दी से जाके चेक करना पड़ेगा यार, फटाफट से जाके चेक करो। एंड यहाँ पर ना आई थिंक हमारे जो निंजा सिक्योरिटी है उन्होंने अपना काम कर दिया। ऑल राइट गाइस यहाँ पे जो निंजा सिक्योरिटी है इन्होंने सबको मार गिराया, देख रहे हो भाई मैंने इनको बोला था इधर के साइड से जाना, एंड ये इधर के साइड से आ चुके हैं। एंड इधर देख रहे हो भाई सबको ही मार गिराया यार, एंड एक को इन्होंने छोड़ दिया यार, ये तो बहुत सही काम कर रहा है निंजा भाई। इसने ना एक को मतलब यार रेड निंजा तू कमाल का बंदा है भाई, हमने इतना सोचा ही नहीं यार, हमने सबको ही मार दिया। एंड इसने अपना दिमाग चला के ना एक को बंदी बना दिया, और इससे हम लोग ना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं यार। रेड निंजा यार बहुत खतरनाक है यार तू तो यार, इसको ना हम लोग मारेंगे नहीं, अब इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और इससे ना पूछेंगे एंटेनो का पता बोल, बट ये एंटेनो का ना लोकेशन बोल नहीं रहा यार, अभी ना इससे हम लोग बुलवाएंगे यार। फटाफट से बोल दे वरना ना भाई तेरे को खोपड़ी पहल देंगे। चल जब तक रेड निंजा ना वो उसका बोलती बंद कर रहा है, जब तक मैं गाड़ी देख लूँ यार, ये व्हीकल्स देख रहे हो मतलब बढ़िया यार, ये कौन सी कार है। जब तक ना वो उससे बुलवाएगा रेड निंजा, तू ना फटाफट से अपना उससे
वो कर ले एंड फटाफट से हम लोग सब कुछ चेक कर लेते। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे, ओ भाई कार देख रहे हो यार, ये कार ना एकदम बढ़िया है, मतलब क्या ही बोले। चलो इसको ना एक बार मैं चला के देख लूँ यार, ये बढ़िया कार है। आई थिंक ये ना, वैसे भी हमें सिक्योरिटी के लिए कार चाहिए थी एंड ये कार इतनी बढ़िया लगी है मेरे को यार, मतलब ये कार हम सेल कर लेंगे एंड बढ़िया सी ना एक कार लेके। तो यार एक सेकंड, इससे ना हम बुलवाया कि नहीं पता नहीं, रेट नहीं जाने। एंड ये गाड़ी भी बढ़िया है भाई, सारे इनके गैंग्स के गाड़ियाँ हैं भाई, देख रहे हो। लग रहा है ना इन्होंने सारा का सारा जो भी इनका जो लूटा हुआ माल है ना, सारा का सारा यहाँ पर ला के रखा है। तो यार इसने अभी तक इससे मुँह नहीं खुलवाया क्या यार, पता नहीं है, वो बोल रहा है ना अभी तक मुँह खुलवाया नहीं है। तो यार लग रहा है इससे मेरे को काम करना पड़ेगा। तो जब तक ना मैं इनको बोल दूँ, जब तक ना मैं मिस्टर के को बोलता हूँ यार अपने ना सारे के सारा जितना भी सोना है भाई वो ट्रक में लेके जाओ, एंड फटाफट से ना ट्रक में लेके जाएंगे एंड भाई फटाफट से मैं उसको बोल देता हूँ, क्योंकि ना सारा का सारा सोना ना अभी यहाँ पे कोई बचा नहीं है। ठीक है एक सेकंड, ये कहाँ गया मिस्टर के, किधर चला गया यार, यहाँ पे ना मिस्टर के नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी ना सारा का सारा सोना एंड गोल्ड भाई हमें ना फटाफट से हमारे बेस पे लेके जाना पड़ेगा। तो यार ये सिगरेट पी रहा है, हर टाइम सिगरेट पीता रहता है, तो इसको मैं बोल देता हूँ फटाफट से ना, तू भाई जल्दी से जल्दी अपना भाई सारे जितने भी लोग हैं उनको बोल SPG वालों को एंड जो भी माल है ना सब कुछ कर देते। ऑल राइट गाइस, इसको ना मैंने सारा का सारा बोल दिया है एंड ये बोल रहा है ठीक है भाई काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ना चेक कर लो। तो यार फटाफट से ना हमें एंटेनो को ढूंढना है। ठीक है अभी एंटेनो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी पता नहीं यार रेड निंजा ने उसे मुंह खुलवाया कि नहीं यार, जल्दी से करना रेड निंजा, वरना उसका ना वो एंटेनो शहर से भागना नहीं चाहिए भाई, लॉस सैंटोस से एंटेनो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ना एंटेनो यहाँ पर ही कहीं है मुझे पता है भाई, वो इधर ही कहीं छुप के बैठा है। ठीक है ना, क्योंकि ना उसके पास कोई जगह ही नहीं है, यानी इसके सारे एजेंसी के लोग मर चुके हैं बिल्कुल ही, वो ख़त्म हो चुका है। एंड फटाफट से ना यार रेड निंजा तू जल्दी से इधर आ जा एंड मेरे को बता दे यहाँ पे सारे ना उसने क्या क्या बोला है। तो फटाफट से ना मैं रेड निंजा से बोलता हूँ कि यार वो अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है, एंटेनो का यहाँ पर ही कहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है ना कैस। रेड निंजा मुझे बोल रहा है कि उससे सिर्फ इतना ही बोला है कि एंटेनो ने यहाँ पर ही कहीं छुप के बैठा है। यार एंटेनो इधर कहाँ हो सकता है मेरे को बताओ यार गाइस, यार एंटेनो इधर नहीं है यार, वो ना कहीं और ही लग रहा है। उसका कहना है कि यार वो इधर ही कहीं है एंड उसका ना अभी लॉस सैंटोस में वो, उसके पास इतने ज़्यादा मेंशन भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही मेंशन था जो लग्जरी वो आपने लूट लिया एंड वो ना अभी फ़ोन करके गए किसी को बोल रहा है रेट जाए थी ना ट्रक्स मंगवा रहा है, मैंने इसे बोला था ट्रक्स मंगवा लें बट लग रहा है ट्रक्स मंगवा रहा है एंड जो भी ना सारा का सारा माल जो मिस्टर के वो सारा इसमें रख देगा। तो फटाफट से मैं गाड़ी को पीछे रख लूँ क्योंकि ना यार ट्रक आएंगे तो यार बीच में हो जाएगा। तो यार मिस्टर निंजा ना कुछ चेक कर रहा है, कुछ पैरों के निशान मिल जाए उसे, उसका कहना है कि यार वो ना इधर से कहीं भाग चुका है। मिस्टर निंजा जो निंजा है ना रेड निंजा, वो कह रहा है कि वो इधर नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि इधर ही होना चाहिए। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है मिस्टर निंजा, यार कुछ कर यार। निंजा ना भी चेक कर रहा है, कुछ पैरों के निशान चेक कर रहा है, वो देख रहा है ना उसके पास कुछ पावर से बोल रहा है कि मैं चेक कर लेता हूँ, क्या बताओ इधर से भागने के निशान उसे मिल जाए। चलो यार मैं भी देख लूँ यार उससे ना निंजा जो है ना एंटेनो के जो निशान है वो मिल जाए। सो यार एक सेकंड यहाँ पे ना हम लोग देख ही लेते हैं, मुझे तो कुछ निशान नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं यार निंजा ने यार क्या बताया। तो यार इसको देखने दो यार हमें ना फटाफट से, एक सेकंड ये क्या कर रहे हैं इधर, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई सालो, ये लो भाई हमारा माल लूटोगे क्या, पुलिस को बोल देंगे जाकर, ये पुलिस को बोल दिया ना भाई लग जाएंगे हम, अभी इतना सारा सोना हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ से, अगर इन्होंने देख लिया ना सालों ने भाई वीडियो बना दी ना पुलिस पे जाना पड़ेगा। तो अभी तक आप मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो आपको मैं नेक्स्ट चेक पॉइंट दे रहा हूँ, सेकंड चेक पॉइंट है भाई रेड निंजा OP लिख देना, ये सेकंड चेक पॉइंट है, मुझे पता चलेगा अगर आपने ये दूसरा चेक पॉइंट भी बोल दिया है, पहला चेक पॉइंट भी बोल दिया है, टोटल 4 चेक पॉइंट हो गए। ठीक है ना, सो गाइस यहाँ पे ना देख सकते हो भाई इसको मैं मार रहा हूँ, ये ना अपनी लोकेशन बोल नहीं रहा है, मतलब एंटेनो की लोकेशन बोल नहीं रहा है, तो मैं इसको फटाफट से मारता हूँ एंड आप लोग रेड निंजा OP लिख देना एंड पहला आपको मैंने बता दिया है पहला चेक पॉइंट। तो भाई दो सारे 4 चेक पॉइंट हो गए, अभी दूसरा चेक पॉइंट है रेड निंजा। ठीक है ना, अगर आप सारे चारों के चार बोलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट लूंगा नाम लेकर। ठीक है ना, तो लिख देना निंजा रेड निंजा OP। सो इसको मैं अभी मार मार के ना इसका पुरता एक करता हूँ एंड इससे ना लोकेशन बुलवा लेता हूँ। साला बोल नहीं रहा है लोकेशन, एंटेनो की लोकेशन बोल यार अभी भी ना साला, मतलब बोल रहा है वो इधर ही कहीं है, उसका कहना है कि वो किधर भी नहीं है यार, मुझे
विश्वास करो यार, देख तू भाई सच सच बोल दे, तेरा कहना है कि वो इधर ही है, बट हमको नजर नहीं आ रहा है ना, इधर कुछ है भी नहीं। और सीक्रेट रास्ता है क्या इधर, कोई बता दे फिर। यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता भी नहीं, तेरे से पहले से मैं इधर आया हूँ। एंड भाई तू हमसे धोखा कारी करेगा पहले ही ना, क्या ही बोले। इसको ना लग रहा है कि गोली से उड़ाना पड़ेगा यार, ये ज़्यादा ही कर रहा है। एंड इसको ना भाई गेम ओवर करना ही पड़ेगा। ये ले भाई, ये ना भाई मुँह खोल ही नहीं रहा यार, ये कितना मतलब पहले हेडमेट गेडमेट पहन के बैठा है, इसको कुछ हो नहीं रहा है। ज़ोर ज़ोर से मारना पड़ेगा, लग रहा है इसे गोली से उड़ा दो यार, बट इससे ना मुँह भी खुलवाना है। एंटेनो को पता करना है, एंटेनो गेम ख़त्म करना पड़ेगा, आज की आज ही ख़त्म करना है गाइस, आज ही गेम ख़त्म करना है एंटेनो। आज कुछ भी हो जाए साले को ना मार मार के घूरता एक कर दूँ। इसको लग नहीं रहा है इसके पास वेस्ट पहन है ना, इसको लग रहा है गोली से उड़ा दूँ गाइस। चलो इसे ख़त्म ही कर देता हूँ। ये ले भाई, कुछ हो नहीं रहा तुझे, अब तेरा ना गेम ओवर करना पड़ेगा। जल्दी से ना मेरे को बता दे लोकेशन, वरना तेरे को गोली मार के ना भाई। चलो इसको ना अभी पैर पे गोली मारता हूँ, इससे ना फटाफट से बुलवा लेते। ये ले, एंड सॉरी मेरे लिए भाई, बट बना तेरे को गोली मारनी पड़ेगी। अब तू अपना लोकेशन बोल दे फटाफट से मेरे को, अब ना हमें लोकेशन पता चल जाएगी गाइस। तो यार इसको ना घुटने में गोली लगी, एंड खून बहुत निकल रहा है। एंड इसने भाई फाइनली बता दिया, ये ना अभी उसका कहना है कि वो इधर ही था, एंड वो ना अभी भाग चुका होगा एयरपोर्ट पर। ऑल राइट गाइस, अभी ना फाइनली हमें लोकेशन मिल चुकी है, वो ना एयरपोर्ट पे भागा है। ओ भाई एयरपोर्ट पे निकलना पड़ेगा, जल्दी से रेड निंजा मेरे साथ आ जा। एयरपोर्ट पे ना भाई वो जा रहा है, उसका ना प्राइवेट जेट है यार। फटाफट से रेड निंजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, एंड भाई फटाफट से हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट की ओर। सो चलो यार गए फटाफट से ना निकलते हैं, रेड जल्दी से बैठ जा, फटाफट से जल्दी बैठ यार, क्या कर रहा है। फटाफट से निकलते एयरपोर्ट की ओर, वरना एंटेनियो भाग ना जाए यार। मुझे लग रहा है एंटेनियो निकल जाएगा, क्योंकि ना इसने बहुत ज़्यादा ही लेट बताया, इसको मैंने गोली मार दी है यार। SPG सिक्योरिटी तुम लोग यहाँ पर ही रहना, एंड सब कुछ चेक करते रहना, मेरे को अपडेट देते रहना क्या चल रहा है क्या नहीं। यार एंटेनियो को यार मेरे को लग रहा है ना एंटेनियो यार भाग ही जाएगा यार, इसने इतना लेट बताया ना यार। इधर जगह कहाँ से, हम लोग दोनों जगह से हमने अटैक किया, बट वो ना कहाँ से निकला है आई डोंट नो वेयर इज गोन भाई साहब, मतलब क्या ही बोले। यहाँ पे ना निंजा सिक्योरिटी भी थी, एंड यहाँ पे ना मॉन्स्टर सिक्योरिटी भी थी, बट यार वो पता नहीं कहाँ से चला गया। अभी फटाफट से ना हम लोग को जाके देखना पड़ेगा। अभी यार एयरपोर्ट की ओर ना अभी उसने मुँह खोला है अपना, तो यार फटाफट से हम लोग एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं, एंड देखते यार वो ना अभी भाग ना जाए। वो कह रहा है कि उसका ना यहाँ पर प्राइवेट जो है ना एयरप्लेन है यार। यहाँ पर देख रहे हो गाड़ी का क्या ही सीन है यार, ये गाड़ी भी ऐसी ना यार फटाफट से रोटेट ही नहीं हो रहा है। ये लग रहा है गाड़ी इतनी घटिया गाड़ी ना, अभी इसको मैं मेरे पहली भी मेंशन पर तक ना लेके जाऊँ, मतलब देख रहे टर्न तक मार ही नहीं रही। इसको बेच के ना हम लोग गाइस, आप लोग क्या कहते हो, हमारे जो सिक्योरिटी है ना उनके लिए बढ़िया से कार खरीदे क्या, क्या बोलते हो? क्योंकि ना ये लोग हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एंड भाई साहब और भाई साहब मतलब क्या ही बोले, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं ना, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इनके वजह से हम लोग ने भाई खतरनाक खतरनाक वाले ना भाई अचीवमेंट्स हासिल किए, मतलब इतना सारा गोल्ड गिल्ड। तो आप लोग बताओ इनके लिए ना बढ़िया बढ़िया कार्स लेनी चाहिए, कौन कौन से कार लेनी चाहिए भाई, सारे कार्स का नाम बोलो भाई। जो आप कार बोलोगे भाई एक एक कार इनको दिलवा दूंगा, आप लोग बस चैट पे अपने अपने मनपसंदा कार के नाम बता देना। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना एयरपोर्ट की ओर हम लोग आ चुके हैं भाई। फटाफट में गाड़ी को स्पीड में गया, एंड भाई वो ना आई थिंक निकल चुका है भाई लोल यहाँ पर। ऑल राइट चलो यार फटाफट से गेट खोल, जल्दी से गेट खोल। यहाँ पर कार नज़र आ रही है दो तीन, मेरे को लग रहा है इसमें से कोई एक कार हो सकती है। एंटेनियो कार चला गया, एंड भाई सामने इसका ना प्राइवेट जेट का होना चाहिए। ओ भाई ये भाई क्या सही टाइम पे आया, ये भाग रहा है एंटेनियो। अब तेरी मौत पक्की है, अब तेरे को हम लोग एयरपोर्ट पे मारेंगे। रुक जा बेटा, चट्टी तक नहीं पहना है लग रहा है ये टॉयलेट में, ये लग रहा है ना टॉयलेट में बैठा होगा, एंड टॉयलेट के ना जो होता है ना गाइस वेट वेसिलेशन वाला जो होता है ना वेंटिलेशन वाला एरिया, लग रहा है वहाँ से वो भाग चुका है, क्योंकि ना वहाँ पे पाइप ज़्यादा है। साले को ना मैं गोली मार दिया हूँ, एंड भाई इसका गेम ओवर कर दियो। एंटेनियो का गेम फाइनली गाइस ओवर हो चुका है, और भाई इसको मैं इतना मारने वाला हूँ, इतना मारने वाला हूँ भाई तूने कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि ना तेने मेरा इतना परेशान किया, इतना परेशान किया ना भाई। यार निंजा बोल रहा है फटाफट से निकलो, वरना ना पुलिस यहाँ पे आने वाली है भाई। यार पुलिस क्यों आएंगी यार, फटाफट से निकलना पड़ेगा यार। इसको मैं इतना मारना चाहता हूँ यार कसम से, इतना मेरे को इतना परेशान किया ना यार, डक्कन बॉस ने इतना परेशान किया, बट इसने मुझे इतना परेशान किया यार, मतलब
भाई दोस्त बन के ना धोखाधड़ी कर दिया। मतलब यार वो भी अच्छा फ्रेंड था, बट ना यार अब गाइस गलत फैमिली हो जाती है। उसका कहना था कि यार उसके मैंने 200 सिक्योरिटी गार्ड को मरवा दिया, बट इसमें हम लोग क्या करें, अभी वो मर गए तो मर गए ना, हम लोग ने थोड़ी उनको मरवा दिया, मैंने खुद थोड़ी बोला था। बट कोई ना यार, अभी गलत फैमिली हो गई एंड उसका ना गेम ख़त्म हो चुका है। मेरे को बुरा भी लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ना वो मेरा कुछ टाइम पहले फ्रेंड था, बट अब गाइस दुश्मनी हो गई है। तो यार पंगा लिया है माइकल से, तो भाई मरना तय है गाइस। तो यार मेरे पीछे ना आई थिंक पुलिस लग चुकी है। यार ये कार का ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कार मेरा कुछ प्रॉब्लम है यार, वो जो टर्न ही नहीं मारती है, ये कैसी कार पता नहीं यार, लोल भाई। तो यार फटाफट से पुलिस यार पीछे पड़ चुकी है यहाँ पे। एक सेकंड, ये दुबई की पुलिस क्या कर रही है इधर? यार ये जो हमारा शेख है ना यार, वो लग रहा है ना लॉस सैंटोस में जब से आया ना भाई, यहाँ पे दुबई के लोग ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं यार। लॉस सैंटोस में दुबई बनती जा रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ना। ये जो शेख है ना, ये शेख आपको याद है, ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम करता है। मतलब उसने हमको दो सुपर कार गिफ्ट किए थे एंड उसका ना बहुत बड़ा वाला बिजनेस है कार्स का दुबई में, तो बहुत बड़ा उसका है। अभी वो कह रहा है ना मैं लॉस सैंटोस में ना मेरा सबसे बड़ा वाला शोरूम बनाने जा रहा हूँ यार। तो मैं सोच रहा हूँ ना एक बढ़िया से कार्स लें वहाँ से ही। तो आप लोग मेरे को ना बढ़िया बढ़िया से कार्स के नाम बताओ, बढ़िया बढ़िया ना कार के नाम बताओ। अभी ना हमको इतना बड़ा हमने काम किया है, इतना बड़ा ना सोना हमने चोरी किया है गाइस, तो यार उनको भी कुछ मिलना चाहिए गिफ्ट प्राइजेस, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हमें उन्होंने फ़ायदा करवाया, जितनी उनकी फ़ीस भी नहीं है, मतलब उनके फ़ीस का 0.1% है वो, तो मतलब उनकी फ़ीस ना समझ रहे। तो यार फटाफट से आप लोग सारे के सारे चैट को लिख दो अपने मन पसंदीदा कार के नाम। भाई इतना पैसा है ना, इतना बोल रहे अभी ना मैं भाई पूरा गई शोरूम खरीद सकता हूँ एंड भाई सब कुछ खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे फटाफट से ना पुलिस से छुटकारा पाते हैं, इनको मारना नहीं है ठीक है ना, मैं पुलिस को मारना नहीं चाहता हूँ भाई। या अगर पुलिस ज़्यादा करेगी तो मैं इनको भी ठोक दूंगा, क्योंकि ना पुलिस से पंगा नहीं लेना है भाई, लॉस सेंटर्स में रहना है। तो यार ईमानदारी से रहो, पुलिस के सामने वो से मत करो, पुलिस को ना पैसा खिला लेना। पुलिस यहाँ की ऐसी है, हमको पैसा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, बट इनको मारना नहीं है, इनसे दुश्मनी नहीं करनी है। क्योंकि ना ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनका जो भी है DSPG जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना, इनका जो भी बॉस है उसको ना भाई पैसे से कुछ नहीं होता है, मतलब उसको सिर्फ पैसा चाहिए एंड भाई वो केस बंद कर देता है, बस उससे दुश्मनी मत करना। अगर दुश्मनी हो गई ना वो पागल बुड्ढा सटिया जाता है एंड भाई अपने सारे पुलिस यूनिट्स को पीछे लगवा लेता है लॉस सैंटोस। यार अभी ना फटाफट से मुझे एक बढ़िया सा सेफ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, 1.5 के लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें एंड बढ़िया बढ़िया स्टोरीज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझोगे एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करोगे। तो यार फटाफट से ना मैं इधर निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। यार निंजा कुछ रास्ता बता दे मेरे को, यार ये मेरे साथ में बैठा है बट ये बोल रहा है ना आपको अभी इनको मारना ही पड़ेगा। यार इतने सारे कैसे मारे यार, मतलब कुछ भी, ये इनके पास हेलीकॉप्टर भी है भाई, लोल यार। अभी ना यार फुल परेशानी में पड़ गया हूँ मैं, अब ना मैं निकल जाता हूँ। एक काम करते गए, कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा इनको भगाना पड़ेगा, फिर ही जाके हम लोग निकल पाएंगे। ऐसे तो हम लोग शहर में घूमेंगे ना फिर तो और फंस जाएंगे। चलो निंजा मेरे को एक रास्ता दिखा रहा है, बोल रहा है ना मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। यार ये देख रहे हो दुबई की पुलिस, मतलब दुबई के चाइना यहाँ पर कार एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुबई से ना कार एक्सपोर्ट हो रहे हैं एंड क्या ही बोले यार, गजब है। यहाँ पर ही के रास्ता होना चाहिए। ऑल राइट यार ये कार भी ऐसी ना ऐसा ड्रिफ्ट मार रही है, जहाँ ड्रिफ्ट नहीं मारना है वहाँ ड्रिफ्ट लग जा रहा है, जहाँ मारना है वहाँ तो लग ही नहीं रहा है। अजीब सी कार है, मतलब कोई ना, चलो फटाफट से इधर से यार निकलते हैं। एंड भाई यार यहाँ पर FBI वाले भी आ चुके हैं, यार फटाफट से इनका पीछा छुड़वाना है। लेस्टर सॉरी निंजा जल्दी से मेरा रास्ता बता दे, लेस्टर बोल रहा ना, सॉरी लेस्टर को मैं निंजा बोल रहा हूँ, निंजा बोल रहा है, रेड निंजा बोल रहा है ना, आगे चलो मैं आपको उसी से रास्ता दिखा रहा हूँ। यार रास्ता तो मेरे को भी याद है बट पुलिस का क्या करना है, इनको तो मारना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, यहाँ पर ना उतरना पड़ेगा, वरना यार ये कार नाम को नोट कर लिए, आगे जाके उतरने पड़ेगा फिर तो ऐसे जाके हम मर ही जाएंगे। यार ये कार देख रहे हो मतलब बिल्कुल यार भाई उल्टी हो जा रही है इसको बराबर से। यार ये देख रहे हो FBI वाले भी आ चुके हैं, स्वैट ऑफिसर भी आ चुके हैं, स्वैट वाले भी यार पंगा भाई ले रहे हैं। यार चलो इनको यार मारना नहीं है, रेड पिज्जा मार मत यार, तू मार क्यों रहा है इनको, यार इनको मारना नहीं है, हमारे चेहरे हमको दिख गए ना तो यार लग जाएंगे।
लॉस एंजेलिस में रहना तो रहना है ना यार, देख रहे हो ये हमें ना मारते जा रहा है, बट कोई ना, ये सूट पहने ये पुलिस से कैसे भी करके छुटकारा पाना पड़ेगा, वरना ना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एंड लोल, यहाँ से कहीं उतरना है यार, रास्ता भी नहीं यार, कैसे कहाँ चले यार, हर जगह पुलिस ही यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लग रहा है हम लोग गए यार। रेड निंजा तूने फंसवा दिया, इतने छोटे छोटे गली में लाके ना फंसवा दिया, इतने अच्छे काम कर रहा था तू, बट यार अभी ना फंसवा ही दिया है बिल्कुल ही, अभी हर जगह पुलिस है यार, ये क्या चल रहा है रेड निंजा, तू क्या फंसवा दिया। रेड निंजा बोल रहा है मेरे बात पे विश्वास रखो, मैं जहाँ बोल रहा हूँ तुम वहाँ चलो यार, तू ओ भाई यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ यार, खतरनाक वाली है यार, स्टंट मार दिया। एंड भाई यहाँ से भी पुलिस, रेड निंजा तेरा प्लान तो फेल हो चुका है, तू बोल रहा है यहाँ से लेके आ, बट हम लोग इधर तो आ चुके हैं, अब तू तेरा प्लान फेल हो चुका है, मेरे को उतरने दे यार, अभी तेरा काम पे हम करेंगे ना, तुझे इतना पता नहीं है, अभी तू ना माफिया तो है नहीं, तू रेड निंजा है। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे तो चलते चलते हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। एंड यार हम लोग ना कब से भागे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर ना दुबई की पुलिस आ चुकी है, मतलब यार ये जो पुलिस है ना, इनको जो शेख है, जो हमारा शेख दोस्त है ना, जिसके हमने जान बचाई थी यार, उसने भी हमारा अच्छा काम किया शहर के लिए, बट वो हम पे नुकसान भारी पड़ रहा है, उनको इतने फास्ट कार प्रोवाइड की है ना यार, वो हमारे इतने फास्ट आ रहे हैं, हम लोग ना उससे छूट ही नहीं पा रहे यार, ये क्या कर दिया यार शेख, तेरे बच्चे की जान बचाई। एंड कोई बात नहीं यार, उसको पता नहीं हम लोग ना गैंगस्टर है, कोई ना हम लोग उससे डील करेंगे बढ़िया वाली कार की, एंड आज ना भाई मारना ही पड़ेगा, सॉरी यार पुलिस ऑफिसर, आज तुमसे पंगा लेना नहीं है, बट यार अब तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, वैसे तो हम मरने वाले हैं, मतलब मर जाएंगे तो हो सकता है हम तुमको मार के मरे, वैसे हम मरेंगे तो नहीं, टेंशन ना लो, चलो गजब एक ख़त्म है, इनको भी निपटा देता हूँ, सालो तुम लो, तू भी ले ले, और कोई है क्या, रेड निंजा भी मार रहा है, गजब है, तू भी ले चल, बड़ा है पंगा लेंगे आपसे। ये देखो एक और आ रहा है, ये कौन सी गन लेके आ गया, चल तू भी जा, और कोई बचा है क्या भाई, कवर लेके मार रहा है बिल्कुल ही, निकल बाहर निकल, चल गया ये भी गया, अभी ना फटाफट से निकलना पड़ेगा रेड निंजा, अभी कुछ करो रेड निंजा कुछ कर, यहाँ पे ना मैं एक सेकंड यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे भी पुलिस है, रेड निंजा जाए कहाँ पे, अभी सिटी में पूरे पुलिस है यार, तुम भी ले लो यार, ये देख रहे हो कार में पूरा यार बीच में सराय कर रहे हैं, इनके कार में बैठ जाते हैं भाई, देख रहे हो लैम्बोर्गिनी है पुलिस वालों की, भाई खतरनाक वाला काम किया शेख ने, मतलब सस्ते में गाड़ी बेच रहा है ये पूरे लॉस एंजेलिस में, इतने सस्ते में गाड़ी बेच रहा है ना शेख वाला, मतलब पता नहीं क्या हो गया इसको, भी लग रहा है ना दूसरे जो कार्स डीलर है ना भाई, इसको पक्का जान से मार ही देंगे, मतलब यार इतने सस्ते में गाड़ी दे रहा है सबको यार, मरना थोड़ी है उसको, उसके पास पैसे ज़्यादा हो गया ना इसको, वो बोल रहा है मुझे बस नाम कमाना है और कुछ नहीं, चलो यार ठीक है अच्छी बात है, इतने सस्ते में ना पुलिस वालों को फास्ट गाड़ी प्रोवाइड कर दिए। एंड इधर से फटाफट से निकलते हैं, एंड भाई मैं सेफ जगह, अभी भी पुलिस पीछे ही पड़ी यार, अभी ना यार मैं परेशान हो चुका हूँ, एंड फटाफट से इधर से निकलते हैं यार, चलो यार आपको ना सेफ जगह जाके मिलता हूँ मैं, अभी ना पुलिस यार छुटकारा ले ही नहीं रही है मेरे से, इधर से फटाफट से निकल जाता हूँ एंड आपको ना सेफ जगह पे मिलने की कोशिश की। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग फाइनली यार सेफ जगह पे आ चुके हैं, इतना भगा रहा है पुलिस वाले यार, कसम से इतनी पुलिस यार आज तक मेरे ना परेशान भी किए यार, मैं इधर आ चुका हूँ कोने में, चलो इतनी पुलिस है यार, मुझे लगा चले जाएंगे, बट यार ये ना मैट में ज़्यादा बड़ा हो गया लग रहा है ना, ये यार ये पुलिस का कलेक्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये एंटोनियो के लिए पुलिस मुझे क्यों मार रही है, अगर हम मर्डर भी करते हैं ना तो पुलिस इतनी नहीं आती है, ठीक है ना, आपने कभी सोचा है ये पुलिस वाले इतना मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, अगर हम किसको मार भी देते हैं ना तो इतने पुलिस वाले नहीं आते, बट हमने सिर्फ एंटोनियो को मारा है तो इतने पुलिस वाले कैसे आ रहे हैं, हमने कुछ बड़ा वाला काम तो नहीं किया है यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रहा है ना ये एंटोनियो कोई रिलेशन है, ये जो एंटोनियो है ना आई थिंक इससे कुछ पुलिस वालों का कुछ कनेक्शन लग रहा है मुझे, वरना इतना ना भाई ये पुलिस वाले काम ही नहीं करते इतना, मतलब ये लोग ना सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं यार, मुझे लग रहा है एंटोनियो ने ना पुलिस वालों को पैसे खिलाए, आप लोगों को क्या लग रहा है चैट में मेरे को बताना, क्योंकि पुलिस वाले इतना ईमानदारी से काम नहीं करते भाई। सो चलो यार यहाँ पे ना पुलिस वाले शांत हो चुके हैं यार, ऑलमोस्ट यार मैं आपको बताऊँ ना कम से कम यार आधे घंटे से पुलिस पीछे पड़ी है, एंड भाई नो यार आधे घंटे से मैं भागे जा रहा हूँ,
मुझे लगा जाएंगे जाएंगे हम लोग आगे का काम करेंगे, हमारे घर पे जाएंगे, मेले भी मंशन पर एंड वहाँ पे ना बढ़िया सा वो काम करेंगे बीच का एंड गैरेज का, बट यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो यार फटाफट से गाड़ी पकड़ते हैं एंड भाई निकलते हैं यार, अभी ना यार बहुत सारा काम करने गए एंड अभी ना पुलिस वाले मेरे को वो कर दिया, वरना बढ़िया वाला हमको ना यार कुछ करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी आज, बट पुलिस वाले एंड यार एंटी आने को भाग रहा था। चलो कोई ना यार, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, हम लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस। ये देखो मेरे पीछे आ रहा है, इसको गन दिखाता हूँ, ले साला ये ले भाई, मेरे को गन दिखा रहा है, मतलब भागते हुए आ रहा है, उसकी गाड़ी क्या चुरा ली। एक सेकंड, यहाँ पे एक पुलिस वाला दिख रहा है मैप पे मेरे, यार मैंने एक को मार दिया ना, पुलिस वाला इधर भी है देख रहे हो भाई, वही लोकेशन है वहाँ पे मैंने GPS वाली गाड़ी छोड़ी थी पुलिस की, क्योंकि मैंने पुलिस गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि ना वो पुलिस वाले उधर चले जाए, यहाँ पे ना मैंने पुलिस की गाड़ी पार्क की थी, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले गाड़ी पार्क की थी, करिए वो देखो पुलिस वाला, वो देखो भाई मार भी दिया रे निंजा, क्या कर रहा है बेवकूफ, मारना नहीं है, अकेला दिखे तो मार दिया, अभी ना मुझे नहीं लग रहा अभी पुलिस लगेगी, तो यार अभी सामने भी पुलिस है यार निंजा। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना पुलिस बार बार बच के आए, कसम से इतना बच के आए ना भाई, फटी पड़ी थी, बट चलो यार इधर आ चुके हैं फाइनली एंड सारा का सारा सोना लग रहा है इन्होंने अपना लोड कर दिया ट्रक्स में। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे ना हमारे निंजा एंड जो सिगरेटी है उन्होंने सारा का सारा लोड कर दिया है, आप लोग इधर देख सक रहे हो, सब कुछ ना बढ़िया तरीके से लोड हो चुका है एंड रेड निंजा बोल रहे हैं हम लोग फटाफट से महली भी मस्जिद पर जाते हैं। इतना सारा गोल्ड है ना यार, अभी इसको गोल्ड में से कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो चलो यार, लग रहा है ना इन्होंने सारा का सारा माल लोड कर दिया है यार, फटाफट से मैं एक बार देख लूँ कैसा कैसा माल लोड किया है यार मिस्टर के। चलो यार मिस्टर के ने बढ़िया काम किया अपना, बहुत बढ़िया काम है एंड यहाँ पर पूरा का पूरा एक ट्रक में पैसा यार बढ़िया लग रहा है, अभी इतना पैसा हो गया ना यार भाई साहब, क्या ही बोलूँ अभी, कि मुझे एक बढ़िया बढ़िया ना आइडियाज़ दो कि यार हम लोग कौन सा बिज़नेस करें, अभी शोरूम तो करना ही यार, मेरा सपना था यार हम लोग एक शोरूम खोले बढ़िया सा लॉस सैंटोस में एंड बढ़िया सारा बिज़नेस करें यार, आप लोग बढ़िया बढ़िया बिज़नेस के नाम बताओ मुझे। और इतना सारा सोना यार भाई, इतना ज़्यादा सोना ना इस बंकर से मिला है, लग रहा है ना पूरे साथों के साथ वो पेड़ी भाई बैठ के खाएगी, बट कोई ना यार हम लोग ना अभी ये सारा का सारा पैसा अभी कुछ करेंगे यार, क्या करना है मुझे नहीं पता अभी ना, हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए एक बढ़िया बढ़िया कार्स और हेलीकॉप्टर खरीदने एंड ना मेरे जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना उसके लिए पैसा लगने वाला है। अभी ना हम लोग मेले भी मेंशन को और बड़ा करने वाले, ठीक है ना, बड़ा मतलब समझ लो एक बढ़िया सा ना उसमें रनवे डालने वाले एंड एक गैरेज उसके बाजू एक शोरूम खोल रहा हूँ मैं, मतलब गैरेज हो गया शोरूम, और ना वहाँ पे बोट्स के लिए डॉक्स होते हैं ना जहाँ बोट्स रुकते हैं वो वाली जगह एक बढ़िया सी लगाने वाला हूँ एंड हेलीपैड्स तो एक अवेलेबल है बट सोच रहा हूँ एक और वहाँ पे हेलीपैड्स लगा लूँ, इतना सारा पैसा हो, ठीक है ना यार गाइस, बढ़िया लगे तो बता देना। चलो फटाफट से इधर से हम लोग निकल जाते हैं एंड इनको बोलता हूँ यार चलो गाड़ी में बैठ जाओ एंड फटाफट से हमारे मेले मेंशन पर इसको पहुँचवा दो, तो यार बढ़िया लग रहा है, चलो यार के अपने अपने काम पे लग जाओ एंड सबको बोल दो कि अपने अपने काम पे लग गया एंड गाड़ी को ना मेले मेंशन पर ठीक ठाक पहुँचा दो, मैं भी आता हूँ गाड़ी में, हमारी गाड़ी आपको पता है पीछे ही खड़े थे वो, पीछे से गाड़ी में बैठना पड़ेगा। चलो यार फाइनली हम लोग इधर आ चुके हैं एंड ये ट्रक वाले भी आ चुके हैं, हमारे सारा माल लोड कर लिया है, हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी छोड़ी थी, यहाँ पर फटाफट से बैठ जाते हैं। चलो यार फटाफट से तुम लोग आगे एंड हम लोग पीछे रह जाते हैं, यार आपको पता ही है भाई, आपने बोला यार आप अकेला जाते हो अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने ना सिक्योरिटी भी साथ में रखो, तो मैं इसलिए ना उन लोग को बोला यार साथ में रहो हमारे, तो यार चल मिस्टर के, मिस्टर रेड निंजा तेरे हाथों में दे रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि ना तू बहुत बढ़िया वाला ड्राइवर है भाई, इतना बढ़िया ड्राइवर है ना, पिछले बारी एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी बढ़िया हेल्प की इसने मेरी एंड भाई सही सलामत ना पूरा माल पहुंचाया था, तो चल मैंने भी ये वाली जिम्मेदारी इसी को दी, के को नहीं दी, के ना यार अपने साथ रहेगा, मतलब निंजा जो सिक्योरिटी ना, निंजा सिक्योरिटी बढ़िया वाली ड्राइव कर दी एंड इनको ना, चल मिस्टर के फटाफट से तू भी जा यार, तू क्या कर रहा है इधर, तुझे सुना ही नहीं दिया है, चलो यार मिस्टर के एंड मेरी एक और निंजा सिक्योरिटी पीछे रहेंगी एंड ये जो है ना हमारा थोड़ा आगे, मतलब प्रोटेक्शन, मतलब समझ रहे हो, पूरा कॉन्वॉय दिखना चाहिए एक बढ़िया वाला कॉन्वॉय एंड यहाँ पर ना हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड है हमारे जो निंजा सिक्योरिटी गार्ड है ना उनको हमने पीछे रखा है बनकर, पर अपडेट देते रहना कोई आया तो, यहाँ पर ना हमारे बहुत सारे कार्स है आपको पता है, हमने वहाँ पर कार्स भी बहुत सारे, मतलब इतने ज़्यादा उसके कार्स लूट लेना भी उसके, वो तो गया गया, एंटेरियो तो मर चुका है बिल्कुल, अपना उसकी एजेंसी छोड़ो
अब उसका तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सारे सिक्योरिटी ख़त्म है, मतलब वो मतलब उसको भूल ही जाओ, उसका ना चैप्टर क्लोज कर दिया हमने फाइनली। मतलब इतना परेशान तो मुझे डगन बॉस ने किसी ने नहीं किया भाई। ये बंदा ना मेरा ही फ्रेंड हो गया, इसलिए बोलते यार फ्रेंडशिप में ना दुश्मन से ख़तरनाक फ्रेंडशिप होता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, ये बात तो पूरी सच हो गई इधर? मतलब फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड ही मेरा दुश्मन बन गया, मतलब उसने मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो चलो यार फटाफट से ना हम लोग पहले भी मंच पर आपको मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ना फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेली भी मेंशन पर, और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी तैनात है भाई। और यहाँ पे ये लोग ना फटाफट से इन्होंने अपने सारे ट्रक लोड कर लिए, देख रहे हो भाई, मतलब एक ही नंबर। चलो यार इन्होंने बीच में गाड़ी लगा ली बट मेरे लिए जगह रखी है। चलो यार रेड निंजा इसका दिमाग बहुत सही है, मतलब एक जगह नहीं रखी यार, बढ़िया लग रहा है। आप लोग देख रहे हो यार, मतलब इतना ज़्यादा पैसा हो गया ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मेरा ही मेली भी मेंशन है ना, क्योंकि ना तीन चार दिन पहले कुछ भी नहीं था मेरे पास, मतलब क्या ही गए। चलो यार बहुत सही यार, यहाँ पे ना मतलब क्या ही बोले, इतना ज़्यादा पैसा हो चुका है एंड भाई इतने ज़्यादा सुपर कार्स भाई, एंड रखने के लिए जगह नहीं है एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा इसमें ना पूरा का पूरा हम लोग माल ना भाई नीचे उतार देंगे। चलो के को बोलते हैं बढ़िया काम किया है एंड भाई इनको ना हम लोग बोलते हैं यार चलो तुम लोग अपना अपना काम करो अब। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे इनको मैंने बता दिया है, तो यार चलो यार ये लोग ना अपना अपना काम कर लेंगे, इनका काम अभी हो चुका है एंड ये लोग बस पैरा करो एंड ना भाई सब कुछ मतलब गार्डिंग करो। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा गार्डिंग का काम ना कहाँ तक आया। चलो यार फाइनली गाइस कंस्ट्रक्शन वर्कर आ चुके हैं एंड यहाँ पर ना हम लोग बनाने वाले हैं गाइस। मैंने आपको बोला था कि इधर ना हम लोग एक शोरूम या गैरेज बना रहे हैं, ये ज़मीन मैंने ख़रीद ली है, तो ये ज़मीन को चेक कर रहा है कितने ना डेप्थ तक होना चाहिए इसकी गाइस, लेंथ होती है जो भी होता है ना, ये इंजीनियर चेक कर रहे हैं इसका ना क्या ब्रेथ होंगी एंड क्या क्या मटेरियल लगेगा एंड क्या क्या सीन है, ज़मीन कैसा है उसका सब कुछ ना टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे सब कुछ ना भाई खुदाई होंगी एंड फिर ना आप लोग को दिखाएंगे काम कहाँ तक आया एंड यहाँ पर ना बढ़िया सा एक शोरूम बनाने वाला हूँ एंड वहाँ पर एक ना हम लोग बोर्ड्स के लिए भी ऐड कर रहे हैं, तो उसको मैंने बोल दिया यार सब कुछ बोल दिया, ये इंजीनियर है एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है। तो ऑलराइट गाइस, तो चलो यार इतने बातचीत मैंने कर दी, बोल रहे ना जल्द से जल्द हम लोग काम हो जाएगा हमारा एंड भाई बहुत ज़्यादा ही पैसा लग रहा है, क्योंकि ना शोरूम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही पैसा लग रहा है। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे ना इनको बोल देते हैं हम लोग ना, एक छोटा काम तो रह गया, हम लोग इनको बोला आराम करने के लिए बट मैं तो उनको बोलना भूल ही गया कि यार इसको उतारना भी है ये जो सोना रखा है ना उसको उतारना भी होता है यार, सोना उतार दो यार, तुम लोग को बोला है मैं तो भूल ही गया, अभी ये ट्रक वाले लेके चले गए ना ट्रक, तो भाई सारा सोना चले जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ना लगभग गाइस तीन चार घंटे लग गए इसको उतारने में एंड आपको मैं दिखाता हूँ हमने सोना कहाँ पे रखा है भाई, पानी के अंदर ही रखा है सोना, ठीक है ना, और कहीं नहीं रखा है, बिल्कुल ही पानी के अंदर ही रखा है। एक बार देख लो, आपको दिखाता हूँ यार पानी के अंदर जाके, एक सेकंड, पानी इतना ठंडा है ना, देख रहे हो भाई यहाँ पर सोना हमने रखा है। और मैंने डेल्फिन जो थी ना मेरे को जॉर्ज ने गिफ्ट की थी, जिससे मैंने मॉन्स्टर सिक्योरिटी लिबर्टी सिटी से, उसने मेरे को तीन डॉल्फिन गिफ्ट किया। तो यार डॉल्फिन कैसे लग रही बताना, और डॉल्फिन कुछ करता नहीं है, ठीक है ना, वरना कुछ पिछले वाले वीडियो में बोल रहे थे आपको डॉल्फिन कुछ कर क्यों नहीं रही, भाई डॉल्फिन कुछ नहीं करते हैं, वो शार्क थोड़ी ना है, शार्क होती तो मेरे को खा जाती है, बट ये डॉल्फिन है यार, ये तो इंसानों से ना दोस्ती कर ही लेती है।
तो यार पिछले वीडियो में देखा कुछ लोगों ने कमेंट्स किया यार यार डॉल्फिन कुछ नहीं करता है यार, वो शार्क थोड़ी ना है। चलो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं होगा तो मैंने उनको बता दिया। यहाँ पर ना देख रही है सोना को, देख रही है भाई खा मत जाना बस इनको ना, हम लोग टाइम टू टाइम खाना देते रहते हैं बस भाई सोने को खाना जाए। और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने यहाँ पे सोना रखा है, और यहाँ पे सारा का सारा पैसा ना लोड उतर चुका है। अभी मेरे को आप आइडियाज़ दो यार कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। और यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा गाइस बढ़िया सा ना, कल वीड़ियो में आऊँगा ना आपको पूरा मेलिबू मेंशन ना इतना बड़ा दिखेगा, आप बोलोगे भाई ये मेलिबू मेंशन है या क्या है। चल रेड निंजा फटाक से चल मेरे को बता तूने कहाँ पैसे रखे भाई, एक भी पैसा कम हुआ ना भाई तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। अरे मजाक कर वो यार, भरोसा पूरा है, वो बोल रहे ना हमने सारा पैसा भी उतार दिया। चल यार भरोसा है तुम पे, तो यार फटाफट से यहाँ पे देख रहे हो पैसे को इधर रख दिया, अंदर रख देते यार, बट मुझे लग नहीं रहा कोई हमला भी कर पाएगा। अभी तो एयर डिफेंस सिस्टम लगवा है हमारे पास एंड खतरनाक वाली मॉन्स्टर सिक्योरिटी है। तो आपको कैसे लग रहा है मेरे को चैट में बताना है, आप लोग को ना अभी सुपर कार्स खरीदने थे हमारे सिक्योरिटी के लिए, तो सब लोग अपने अपने सुपर कार का नाम लिख दो, जो भी एक कार है ना भाई, जो भी कार है भाई हर चीज़ भाई आपके लिए कर लेंगे, बस चैट में कमेंट लिख दो, ओपी लिख देना। एंड लास्ट चेक पॉइंट है वीडियो का, लास्ट चेक पॉइंट है गोल्ड ओपी, ठीक है। तो मैंने जितने भी चेक पॉइंट्स दिए आपको भाई सब के सब टाइप कर देना, एंड उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर मिलेगा, तो सब के सब टाइप कर देना ठीक है ना। क्या टाइप कर देना आपको मैंने बोल दिया है, सब लोग गोल्ड ओपी, एंड जो मैंने सार कितने दे दिए चेक पॉइंट्स आपको याद होंगे अगर आपने मेरे वीडियो देखी है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी फर्नीचर है एंड सब कुछ है। तो यार गाइस कल आपको बहुत खतरनाक मज़ा आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1.5K लाइक्स का, आप लोग पूरी वीडियो देखा करो यार, अगर पूरी वीडियो देखते हो ना तो मज़ा आएगा। तो मुझे पता नहीं आपके आज की वीडियो मज़ा आया कि नहीं, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब है गाइस, मेरा हेल्थ ख़राब था तो मैं ज़्यादा ना गाइस काम नहीं कर पाया, तो अभी इतना ही मैं आपको एंटरटेन कर पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आई होप पसंद आई हो, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ आप आवाज़ से नज़र आ रहा होगा मेरे ना हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी, सर्दी हो गई थी इसलिए ना मैं वीडियो लेट डाला हूँ। तो यार अगर इस वीडियो में आपको मज़ा नहीं आया हो तो यार कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ पूरा ही डाउन, तब फिर भी मैं ट्राई किया हूँ एंड नींद नहीं होने की वजह से ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो आई होप आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझोगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं आपको फुल एंटरटेन कर सकूँ। तो तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय, गुड नाइट, एंड चैट पे सारे के सारे चेक पॉइंट्स लिखना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट आपको दे देंगे। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब में शेयर कर देना और लाइक कंप्लीट कर देना 1.5 के लाइक्स, ठीक है भाई जाता हूँ भाई, जाता ही बोल दिया आज, कोई बात नहीं, लव यू ऑल, बाय बाय।